वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अजकल समाज दे विच बहुत कुछ गैर समाजिक वापर रहा है। असी अपने इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा देखते हाँ जो गैर समाजिक है, जिहदे नाल साडे परिवारक जीवन तबाह हो रहे आ, साडे घरां विच कल कलेश वध रहा है, जिहदे नाल समाजिक पद्धर दे उत्ते मनुखी जीवन भ्रष्ट हो रहा है। असी अक्सर ही न्यूज़ चैनलों जां न्यूज़ पेपरां दे विच असी देखते हाँ, पढ़ते हाँ, सुनते हाँ भी एक मर्द एक पति अपनी पत्नी दे हुंदिया एक होटल दे कमरे दे विच किसी गैर औरत दे नाल रंग रलियां मनाउंदा होया रंगे हत्थी फड़िया गया, जां फिर एक औरत एक पत्नी अपने पति दे हुंदिया बच्चियां दे हुंदिया किसी होटल दे कमरे दे विच किसी गैर मर्द दे नाल रंग रलियां मनाउंदी फड़ी गई, जां फिर कुछ ऐसा भी असी पढ़ते सुनते हाँ भी एक पति अपनी पत्नी दे हुंदिया बच्चियां दे हुंदिया किसी प्रेमिका नूं लै के वो फरार हो गया, जां फिर एक पत्नी अपने पति अपने बच्चियां दे हुंदिया अपने प्रेमी दे नाल घरों फरार हो गई। असी तां इत्थों तीकर भी पढ़ते हाँ भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी दे नाल रल के अपने पति की हत्या कर दिती, जां एक पति ने अपनी प्रेमिका दे नाल रल के अपनी पत्नी की निर्दयी ढंग दे नाल हत्या कर दिती, कतल कर दिता। हुण ऐसियां जदों खबरां पढ़दे आ तां सानूं इह सोचण ते मजबूर होना पैंदा है भी साडे समाज दे विच जिहड़े हालात ने उह किस ढंग दे नाल जिहड़े आ उह बेकाबू हो रहे आ। गुरु नानक पातशाह जी ने ना जी अज तो 553 साल पहला सानूं इन्हां गल्लां तो सुचेत कीता सी। महाराज जी ने फरमाया सी वी रन्ना होईआं बोधियां पुरश होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अहाज, जां महाराज जी ने कहा सी शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। अज दे समाज विच कुछ ऐसे ही गैर समाजिक जिहड़े आ उह नीता प्रति हादसे वापर रहे आ। मैनू भी ना कुछ समा पहला एक सज्जन ने ऐसा ही एक सवाल कर दिता जी, वो कहन लगा भी वीर जी तुहाडे नज़रिए मुताबक जां फिर गुरमत दे नज़रिए मुताबक सानू दसो हाँ भी की एक पत्नी अपने पति दे हुंदे आ किसी गैर मर्द दे नाल शरीरक संबंध कायम कर सकती आ, जां फिर एक पति अपने पत्नी दे हुंदे आ किसी गैर औरत दे नाल शरीरक संबंध बना सकता है जां फिर नहीं। तो सात संगत जी अज दे इस प्रोग्राम विच मैं आप जी दे नाल इसे ही टॉपिक ते कुछ विचार जिहड़े आ उह सांझे करन जा रहे हां, ते आप जी नूं बेनती करना चाहांगा अज दे इन्हां विचारां नूं बहुत ध्यान नाल आप भी सुनना अते होरनां दे नाल भी वध तों वध शेयर करना नहीं भुलना। देखो सतसंगत जी हर एक मनुख दे अंदर काम वासना दा एक विकार जिहड़ा उह कम करदा है। जदों तीकर साडे शरीर दे विच काम दा जिहड़ा विकार है काम दा विकार साडी बिरती जिहड़ी आ उह बहुत वार कामूतर हुंदी आ, ते इस कामूतर बिरती तो बचण वास्ते इस काम रूपी विकार तो बचण वास्ते ही तां साडे गुरु साहिबानां ने सानूं इह सिद्धांत दित्ता सी भी सिखो तुसीं गृहस्थी जीवन जिहड़ा उहनूं अपनाउणा है, गृहस्थी जीवन धारण करना है, क्योंकि काम बारे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का वाक है हे कामं नरक विश्रामं, भी ये जड़ा काम है गुरु साहिब कहते भी काम दे वस आया होया जड़ा मनुख है उहदा नरकां दे विच विश्राम हो जाता है, जाने कि उहदी जिंदगी जड़ी नरकमई बन जाती। तो गल भी सच्ची है जी, जदों एक बंदा एक तो वध इस्त्रियां दे नाल जां मर्दां दे नाल कोई संबंध कायम करता है तो फिर की हुंदा है, एड्स वर्गियां भयानक बीमारियां जन्म लैंदियां ने। अर तो कई सौ साल पहला असी एड्स वर्गियां बीमारियां नहीं सी सुनियां, पर अज जिवें जिवें जिहड़ा है एजुकेशन का प्रसार हो रहा है तिवें तिवें सानूं पता लग रहा है भी हर कंट्री दे विच जिहड़ा है एड्स वर्गियां बीमारियां जिहड़ियां ने उह जन्म लै रहियां ने। तो केवल
गल ये भी सोचने वाली आ भी केवल शरीरक पद्धर ते एड्स वर्गियां बीमारियां ही नहीं केवल जन्म लै रही बल्कि बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते जिहड़े घर परिवार ने उन्हां दा परिवारक जीवन भी नष्ट हो रहा है। वड्डे वड्डे मुल्कां दे विच तुसीं चले जाओ जां अपने इस भारत वर्ष की गल कर लो अज वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़े हन डिवोर्सी केस जब परिवारक जीवन जिहड़े आ उह नेस्तो नाबूत हुंदिया सानू दिखाई पै रहे आ परिवारक जीवन जिहड़े आ तोड़ नहीं निभ पा रहे क्यों नहीं निभ पा रहे की कारण है कैसियां साडे जीवन दे विच बुराइयां जन्म लै रही ने भी असी अपने परिवारक जीवन नू समाजिक जीवन नू धार्मिक जीवन नू असी चंगी तरह जिहड़ा है उह निभा नहीं पा रहे। जेकर असी काम की गल करिए सैक्स की गल करिए शरीरक संबंध बनाउण की गल करिए तो साढ़े गुरु साहबान ने कितना सोहना सानू दसिया महाराज जी ने कैसा जीवन दिता है बाणी का ही वाक आ क्या गल आयो पूछ पर वेलना जो है कंध तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यों। गुरु साहब कहिंदे आ भी ये जगत मानो एक बाग बगीचे की न्याई है एक फुला की वाड़ी है अते हर एक मनुख नू अधिकार है उदा राइट है भी वो इस जगत रूपी फुलवाड़ी दे विच एक फुल दे उपर अख रख लवे एक फुल उपर अधिकार जमा लवे एक फुल उपर हाथ रख लवे जाने कि एक फुल नू चुनन दी हर एक नू अपना राइट है अपना अधिकार है पर जेकर एक बंदा एक फुल नू चुनन दी बजाए वो होर बहुत सारे फुलां नू चुनन दी गल करे होर बहुत सारे फुलां उपर हाथ रखे तो फिर महाराज जी की कहते हैं महाराज कहते हैं जैसा संग बिसियर स्यों हैरे तैसो ही ए पर ग्रह जा फिर महाराज की बाणी असी पढ़ते हाँ दे किवाड़ अनिक पढ़ते मह पर दारा संग फाकै चित्र गुप्त जब लेखा मांगै तब कौन पढ़ता तेरा ढाक है। गुरु साहब जी ने सानू इस गलों भी सुचेत किया है भी एका नारी जती होए पर नारी धी भैन वखाना है। गुरु साहब तो सानू इथों तिकर भी सुचेत करते भी निज नारी के संग ने तुम नित बढ़ो पर नारी की सेज सुपने हूँ के भूल मत जाइयो भी सुपने दे विच भी पराई औरत जा फिर पराए मर्द दे नाल शरीरक संबंध कायम करने ये गल्लां सुपने विच भी नहीं होनिया चाहिए। सतगुरु ने सानू मैं समझदा भी कदम दर कदम साढ़े जीवन नू सुचज्जा सोहना बनाउण वास्ते सानू बड़ी सुंदर गवाही दित्ती है भी असी ऐसा जीवन जीवीए जिहदे नाल साडा परिवारक जीवन भी खूबसूरत बने बारमुखी तौर पर समाजिक जीवन भी खूबसूरत बने अते धार्मिक जीवन भी खूबसूरत बने नहीं तो असी आपो अपने घरां दे विच कई जगह ऐसे हालात वापरे देखते हैं जदों किसी पति का अपनी पत्नी दे हुंदिया किसी गैर औरत दे नाल संबंध हुंदा है जां एक पत्नी का अपने पति दे हुंदिया किसी गैर पुरश दे नाल संबंध हुंदा है ते उस वक्त परिवारां दे जो हालात हुंदे आ उह साडे सामने आ। मैं ते कई बार इंज भी कहना हुंदा भी देखो एक पति अते पत्नी का जदों आपसी कोई मन मुटाव हुंदा है आपसी कोई झगड़ा हुंदा किसी भी गल नू लैके तो इहदा सब तो वड्डा जिहड़ा असर है जो सब तो वड्डा प्रभाव है वह केवल पति पत्नी दे रिश्ते ते नहीं पैंदा सब तो वड्डा असर इहदा पैंदा है उहनां दे बच्चियां दी जिंदगी ते। हुण तुसीं देखो जिहड़े साडे बच्चे आ छोटे छोटे मासूम बच्चे आ जदों वह अपने परिवार दे विच अपनी माँ नू अपने पिता नू आपस दे विच लड़दिया वेखदे आ जदों उहनां नू कुछ ऐसियां गल्लां दा पता लगदा है भी साडी माँ किसी गैर मर्द दे नाल उस संबंध कायम किए हुए ने जां साडा पिता जिहड़ा है वह किसी गैर औरत दे नाल संबंध उन्हें कायम किए हुए ने उन्हां दी जिंदगी उत्ते इहदा कितना वड्डा असर पै रहा है उन्हां दा फ्यूचर तबाह होने दे नेड़े आ जाता है। जदों घर परिवारां दे विच गल्लां तलाक तक पहुँचदियां ने डिवोर्स तक पहुँचदियां ने तो उदों किहनां दी जिंदगी बर्बाद हुंदी आ पति पत्नी दी जिंदगी नहीं कल्ली बच्चियां दी जिंदगी बर्बाद हुंदी है बच्चियां दी जिंदगी ते सच्ची गल आ देखो काम वासना जिहड़ी आ ठीक आ इहदे उत्ते कंट्रोल करना बड़ी वड्डी गल है पर जेकर असीं गुरमत दी रोशनी दे अनुसार जीवन जीवीए ना देखो सतगुरु जी ने ना सानू
काम नू तब्दील करन वास्ते प्रेम दा मार्ग दस्या। हाँ, काम गुरु साहब कहिंदे वस विच आ सकदा है, काम नू असी अपने वस विच कर सकदे जे असी प्रेम दा मार्ग अपना लईए, असी प्रेमी जीवन दे मालक बन जाइए। जदों साडी बिरती विच प्रेम होवेगा, जदों साडी बिरती विच परमेश्वर दा नाम चलेगा, गुरु दी बाणी तो अगवाई लैके जदों असी अपने जीवन नू जीना शुरू कर दिता, फिर एक काम कोई वड्डी गल नहीं, काम काबू आ जाता जी। मन वस आवै नानका जे पूर्ण कृपा होए। हाँ, साढ़े गृहस्थी जीवन दे विच ये जिहड़ा काम दा जज्बा है, इस काम दे जज्बे नू गुरु साहिब ने बहुता निंदिया भी नहीं, क्योंकि काम दे जज्बे दे नाल ही संसार चल रहा है। पर जदों एक काम दा जज्बा, काम दा विकार जां कामुक बिरती जदों कंट्रोल तो बाहर हुंदी है, जदों वस तो बाहर हुंदी आ, ते उदों फिर एड्स वर्गियां बीमारियां अते घर परिवार दे कलेश, समाजिक जीवन, परिवारक जीवन दा प्रश्न होना, नाश होना, ऐसियां गल्लां जिहड़ियां ने उह साडे सामने हुंदियां ने। सो अपने आप उपर कंट्रोल करना सीखिए जी। इसे वास्ते तां असीं कहीदा वी भाई महाराज दी बाणी दा पाठ करिया करो, नाम जपिया करो, मैडिटेशन करिया करो। ये क्यों करिया करो? क्योंकि नाम जपन नाल, बाणी पढ़न दे नाल, बाणी नू विचार के जिंदगी जीण दे नाल की आ ये जिहड़े जज्बे ने ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये जज्बिया उत्ते कंट्रोल हुंदा है, साडे जीवन च ठरमा पैदा हुंदा है, साडे जीवन च सहनशीलता हुंदी आ। ते जदों तीकर काम दा जज्बा कंट्रोल च नहीं रहेगा, फिर ऐसे ही समाज विच हालात बनते रहनगे। सो मेरे मुताबिक गुरमत दा जिहड़ा नज़रिया है, धर्म का जिहड़ा नज़रिया है, वह कित भी सानू ये इजाजत नहीं देंदा भी एक इस्त्री दे हुंदे आ कोई जिहड़ा है गैर इस्त्री गैर औरत नाल शरीरिक संबंध कायम करे, जां फिर एक मर्द दे हुंदे आ, पति दे हुंदे आ, कोई औरत गैर मर्द दे नाल जिहड़ा है वह शरीरक संबंध बनाए, ये धर्म इजाजत नहीं देता। तो अज का जिहड़ा ये प्रोग्राम आ, जे आप जी नूं चंगा लगे इनू शेयर जरूर करियो जी। जे आप जी मेरे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार भी जरूर दियो। सारयां दा धन्नवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।